हेलो दोस्तों, चाहे आप जो है जिम की तरफ भाग रहे हैं या योगा करने की तैयारी कर रहे हैं, पिलाटिस की क्लास अटेंड करने की सोच रहे हैं, या आप चाहे वॉक के लिए जा रहे हों, हमारे जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि एक वर्कआउट से पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज या एक वार्म अप सेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो छोटा सा ही होता है, ये सारा जो सेशन होता है मतलब 5 से 6 मिनट आपके चाहिए होते हैं, और इसमें थोड़े से आप स्ट्रेचेस करते हैं, थोड़े से बेंड्स करते हैं, इस तरह आप अपने मसल्स को, यू जस्ट ट्राई टू अवेकन योर मसल्स फॉर एक्शन। सो के आप उठे हैं या आप बैठे बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, सो यू नो योर मसल्स दे गेट स्टिफन, तो उनको आपको वार्म अप्स ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसके ज़रिए आप उससे उसको सही रख सकते हैं, यानी क्रैम्प से बच सकते हैं, पुल्ड मसल से बच सकते हैं, या छोटी छोटी इंजरी भी हो सकती हैं। तो बेसिकली मैं जो हूँ, मैं चाहे ब्रिस्क वॉक के लिए जा रही हूँ या ये कि पिलाटिस की क्लास अटेंड करनी हो, थोड़े से ये मोशंस जो हैं, ये थोड़े से एक्शंस जो हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। दीज स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस बेसिकली जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एंड दिस इज़ रियली, दिस शुड बी पार्ट ऑफ एनी फिटनेस रूटीन। तो आइए शुरू करते हैं। 5-6 मिनट की बात है क्योंकि मैं अभी ब्रिस्क वॉक करने जा रही हूँ, और इट्स सो कोल्ड, स्टिल वी हैव वेरी कोल्ड वेदर, तो सब टोपी शोपी मैंने रखी हुई है सर के ऊपर। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहले आप खड़े हैं सीधे, तो आप अपने शोल्डर्स, अब आप अगर बैठे हुए थे कंप्यूटर पे तो भी बहुत ज़रूरी है कि आपके शोल्डर्स जो हैं थोड़े से मोबाइल हो जाएं, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएं। सो यू डूइंग योर जस्ट रोटेटिंग योर शोल्डर्स 4-5 times बैकवर्ड एंड 4-5 times फॉरवर्ड, ये आपने कर लिया। अब आप जो है वो थोड़ा सा गर्दन को, यू जस्ट स्ट्रेच इट ऑन द लेफ्ट साइड, ब्रीद इन, स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट साइड, जेंटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं, जेंटल बिल्कुल होना चाहिए, जैसे आप जेंटली बोलते हैं, जेंटली बच्चों से बात करते हैं वैसे। अच्छा, ये आपने 2-3 बारी किया, उसके बाद तीन दोनों तरफ, उसके बाद यू जस्ट लुक एज फार बैक ऑन योर लेफ्ट साइड, ब्रीद इन एंड यू लुक बैक ऑन योर राइट साइड। इससे आपके देखें ये मोशंस और ये शोल्डर्स वगैरह सारे मुझे लग रहा है कि बहुत लूजन हो रहे हैं, दे आर रियली गेटिंग रिलैक्स एंड गेटिंग रेडी फॉर द एक्सरसाइज। या सो ये आपने कर लिया। अब जो है आप ये, हाँ, थोड़ा सा साइड बेंड स्ट्रेच है, साइड बेंड अगर आप इस तरह करना चाहें बिल्कुल, तो ये भी कर लें, जितना भी नीचे आपका हाथ जा सकता है तो आप वो करें, और अगर चाहें तो आप इसको और ज़्यादा स्ट्रेच करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली जो भी आसानी से आप कर सकते हैं वो आप करें। तो ये बेंट जो है, ये आप यहाँ सारा जो आपका साइड है वो स्ट्रेच हो रहा है, इससे हो गया। तो अब हम अपने टॉर्जो और अपने लेग्स की तरफ आएंगे, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम स्क्वाट्स पे। तो ये स्क्वाट्स आप कर रहे हैं, 5-6 दफ़ा बस करने की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा नहीं। ये स्क्वाट्स कीजिए इस तरह के, एज इफ यू आर क्लोजिंग अ डोर बिहाइंड यू विद योर बॉटम, इस तरह करके थोड़ा सा आपने अपने ये सारे स्ट्रेचेस किए। अच्छा, फिर उसके बाद आप, अब ये पूरे बॉडी को आप कर रहे हैं, यू जस्ट रीचिंग टू द स्काई, और ये आपने अपने जो हील्स हैं दे आर लिफ्टेड, सारा जो जोर है वो आपका टोस पर है। तो ये आपने 3-4 दफ़ा करने, और उसके बाद अब ये लेग्स को थोड़ा सा रेस करें, बैलेंस, वी आर लुकिंग टू इम्प्रूव आर बैलेंस, टू गेटिंग रेडी फॉर द बैलेंस। और अब ये इसी का अगला हिस्सा है जो कि ये ज़्यादा बैलेंस की वो है, अगर आप कर सकें तो ठीक है, नहीं तो यू कैन ऑलवेज होल्ड सपोर्ट और मे बी अ वॉल, अगर आप समझते हैं कि ये आप नहीं कर सकते।
देन यू कैन डू दैट विद अ सपोर्ट. अच्छा, अब हम इन सब को कंबाइन कर लेंगे. आपने ये किया, देन यू स्ट्रेच योर सेल्फ अप विद योर हील्स लिफ्टेड एंड देन यू कम एंड यू जस्ट डू दिस. सो यू डू दैट 4 to 5 टाइम्स डिपेंडिंग हाउ मच टाइम यू हैव इन हैंड. तो ये आपने करना है. ये आपने कर लिया, मैं तो ऑलरेडी वार्म्ड अप हूँ. एंड दिस, अच्छा अब अभी वॉक के लिए जाना होता है तो ये भी बहुत ज़रूरी है. 2-3 और एक्शंस हैं. एक तो ये है, जैसे ये आपने जो किया ना, ये जो लेग्स हैं, मेरा ख्याल है ये, हाँ ये एक है, ये आप करें. एंड ट्राई टू टच योर हील टू योर बॉटम, बिल्कुल अगर कर सकते हैं. अगर आप नहीं कर सकते तो फिर भी सपोर्ट, टेक अ सपोर्ट. तो ये आप इस तरह करके, ये आपने किया, ये भी आप 2-3 बारी कर सकते हैं. ये बैलेंस भी है और इसमें जो है आपकी ये स्ट्रेचिंग हो रही है. ये देखें, ये स्क्वाट्स पे. और अब रह गया ही, हाँ एक और, ये भी बैलेंस भी है और ये आपके, ये भी आपके जो है, आपकी जो है हैमस्ट्रिंग्स, इससे काफ़ी स्ट्रेच हो रहे हैं. तो ये हो गया सारा, ये आपने कर लिया. अब ये 2 चीज़ें और रह गई हैं. एक तो है बेंड, फॉरवर्ड बेंड. अब तक तो है थोड़े से आपके खुल गए मसल, उनको जाग आ गई है, उनको जाग गए हैं मेरा मतलब. तो अब हम थोड़ा सा बेंड करते हैं. स्लोली ब्रीद इन एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना भी आप नीचे जा सकते हैं आप जाइए विद योर स्ट्रेट लेग्स. अगर आप स्ट्रेट लेग्स पे नहीं जा सकते तो यू कैन बेंड योर लेग्स. बट या जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं आसानी से वो आप करें. एंड जस्ट 2 or 3 सच मोशंस, ये वाला पोज पोस्चर. और फिर आखिर में, मेरे यहाँ सपोर्ट नहीं है लेकिन इफ़ यू हैव अ सपोर्ट ऑफ अ वॉल एंड यू कैन पुट योर हैंड्स, अगर आप अपनी हैंड्स उस वॉल पे रख लें तो वो ज़्यादा आपको अच्छा स्ट्रेच देगा. वेल आई डोंट हैव ओवर हियर दिस सपोर्ट सो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया कि ये कैसे आपने करना है. या सो यू ट्राई टू स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल बट यू नो द सपोर्ट गिव्स यू अ लिटिल मोर स्ट्रेच एज वेल एज लिटिल मोर बैलेंसिंग हेल्प. तो ये हो गया, ये मैं तैयार हूँ. अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपनी वॉक के लिए और आप भी मेरा साथ दीजिए. इससे मेरे सारे जॉइंट्स, मेरे लिगमेंट्स, मेरे जो है ना वो सब खुल गए हैं. एंड आई एम रियली प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम एनी क्रैम्स, एनी पुल्स और पुल्ड मसल्स और इवन यू नो वेरी माइनर इंजरीज कैन हैपन. तो ख़ास तौर पर सर्दी में तो बहुत हो सकती है. तो आप भी मेरा साथ दीजिए और आप भी ये किया करें जब आप वॉक को जाएं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.